इसमें कितनी फर्क है। तो चलो क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा वरना तो पंगा बढ़ जाएगा, लंबा बढ़ जाता है। गेस करो और बताओ कौन सी लोकेशन है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। मैं भी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। आप सबको पता ही होगा हमारा जो सफ़र है वो कलकत्ता की तरफ जा रहा है। तो अभी टाइम आ गया सुबह के 8:30। तो अभी जस्ट हम नींद से उठे, रात को 12 बजे मैंने यहाँ पे गाड़ी साइड कर दिया। तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेंगे 2-4 घंटा। जब सूखा माल पे मतलब सो नहीं पाएगा बंदा तो फिर क्या फ़ायदा है सूखा माल गाड़ी में लोड करने का। इसलिए आराम आराम से ही जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही होगा तुम्हारा भाई ज़्यादा ड्राइव नहीं कर पाता है कंटिन्यू, टांग में दर्द होने की वजह से तो कंटिन्यू ज़्यादा ड्राइव नहीं कर पाता हूँ। और आप ऐसा समझो 2 बजे मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, 5-6-7-3-4 घंटा आप मान के चलो, 4 घंटे के बाद ही फिर हम निकलते हैं। तो चलो जी अभी निकलने का टाइम आ गया। ये रहा अपना शहनशाह, आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक है यार। अभी हाइट का माल ना अलग ही कुछ जज रहा है, जब रसा त्रिपाल बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास से होता है। बट क्या करें, गाड़ी पुराना है टेंट वगैरह नहीं है बाड़ी में, वर्रा इससे भी ज़्यादा जजता है। बट एक चीज़ का मुझे बड़ा डर रह गया, क्योंकि साइड से रस्से सारे ढीले हो गए। मैंने सोचा अब रास्ते में कहीं इनको टाइट कराते हैं, तो चलो कोई नहीं निकलते। चलो जी अभी हम जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर स्टार्ट रखते हैं उसके बाद ही निकलते हैं। अभी 5-10 किलोमीटर हम चल के आ गए, यहाँ पे हमने ब्रेक ली क्योंकि एक तो अपनी गाड़ी में ग्रीस करना है, एयर फिल्टर साफ करना है। और मैंने सोचा कुछ खा लेंगे यार, आपको पता ही होगा भूख बहुत ज़्यादा लगती है। वहाँ पे ढाबे पे हमने हल्का सा चाय पिया क्योंकि इस लाइन में बिरयानी ज़्यादा मिलता है। तो मैंने सोचा आगे रुक के थोड़ा बिरयानी खाते हैं, फिर 12-1 बजे तक सेट रहता है बंदा। तो चलो यहाँ पे बिरयानी भी मिल रही है और अपना काम भी करके और थोड़ा कुछ खा पी के निकल जाते हैं। चलिए गुटखा खाता है, गुटखा सच बोल रहा था सीपी। हां हां पहले चक्कर आया सीपी खा रहा वीडियो बना रहा हूं सर। हां लगाना भैया बिरयानी। तो यहाँ पे ग्रीस करने के लिए रुका था फिल्टर साफ करने के लिए, बट काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप देख सकते हो अभी यहाँ से टायर रॉड भी पूरी खोल के है क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा प्ले आ गया। मतलब जब हम वहाँ से आए उस दिन भी मैंने उसका वो स्प्रिंग वगैरह डलवाया, बट आज फिर से ये खोलना पड़ा क्योंकि ये तो मेन स्टेयरिंग का मसला है। ये गोली वगैरह तो सब कुछ ठीक है बट इस साइड का कुछ पता नहीं है। गोली ठीक है उस्ताद? गोली कटी है, खत्म है गोली, फिर गोली नया पड़ेगा। ये देखिए, अरे ये तो खत्म हो गई, खत्म हो गई, हाथ लगा के दिखाओ। वो छोटी टायर रॉड बनवाई थी उस दिन, उसमें स्प्रिंग वगैरह डलवाया। चलो कोई नहीं, थोड़ा कपड़ा दियो, कपड़ा दो, इस साइड का खोल दो, इस साइड का चेक करते हैं, इधर का भी खोलो उस्ताद, वो भी देखते हैं। और पीछे और भी काम बढ़ गया, आप देख सकते हो टायर का पंगा बढ़ गया। ये देख रहे, ये जो टायर आपको नजर आ रहा है ये पूरा खराब हो चुका है, एक साइड से दब चुका है। उसका मेन रीजन यही है, जो चक्के में कूनी अंदर लगा होता है वही उसी का प्रॉब्लम है। बट मैं पहले सोच रहा था डिस्क का प्रॉब्लम है, बट अब मिस्त्री ने बोला इसी का प्रॉब्लम है। ये देख रहे हो, ये वाला टायर खत्म कर दिया इसने, क्योंकि ये टायर और ये टायर एक ही साथ था। आप ये टायर भी देख सकते हो, इसमें देखो क्या हालत हुई है, ये तो अभी बिल्कुल मतलब नया ही है। और इसमें कितनी फर्क है। तो चलो क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा वरना तो पंगा बढ़ जाएगा, लंबा बढ़ जाता है।
अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और भी एक काम अभी पेंडिंग है जो कि पट्टा टूटा है वो मैंने चेंज ही करवाया, क्योंकि यहाँ पे महंगा मिलता है, आप मुझे यहीं पे करते हैं क्योंकि फिर ना एक काम टायराट का गोली, दोनों गोली फिर लगा दो, दोनों गोली नया टायराट में भी। अपना सारा काम कंप्लीट हो गया, अभी आप देख सकते हो जो हमारा टायर खराब हुआ था वो हम स्टेपनी पे रखते हैं, यहाँ पे हमने स्टेपनी वाला टायर लगाया क्योंकि ये ना चलने नहीं देता है। ये हालत देख रहे हो इसकी क्या हो चुकी है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है ये चलने नहीं देता है, मतलब ऐसे ऐसे झटके मार रहा है। तो मैंने सोचा आप स्टेपनी का टायर इधर लगाते हैं अंदर और उस साइड से अपना नया टायर लगाते हैं। ये जो पुराना टायर है इसको अब हम उधर स्टेपनी में रखते हैं, अब जो मैंने टायर सेट करवाया अब सारे टायरों में पहले हवा चेक होगा उसके बाद ही निकलते हैं, क्योंकि मतलब हवा बराबर होना चाहिए सारे टायरों में, इसलिए मैंने पीछे टायर वाले के पास गाड़ी लगाई। मैंने सोचा पहले हवा चेक करते उसके बाद ही हम निकलते हैं। अब तो सारा काम हो गया ये भी क्लियर रखते हैं क्योंकि कोई डाउट नहीं, अभी बस निकलने की तैयारी है, सारा काम कंप्लीट हो गया। और उसी के साथ साथ मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था, फाइनली वो भी आ गया। ये देख रहे हो प्यार यार सेठी एक्सप्रेस का मार्का लगा है। और इस गाड़ी को देख के मैं आपको एक बात बताऊँगा, जब मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया ना फर्स्ट टाइम इस गाड़ी के साथ मैं गया था पटना बिहार, पटना शायद गया था उसी साइड पटना बिहार, कम से कम 3 साल पहले मैं इस गाड़ी के साथ फर्स्ट चक्कर गया था, उसी दिन मैंने मतलब व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, मतलब ऐसे खुद। उससे पहले भी मैं डालता था वीडियो वगैरह बट ऐसी मतलब म्यूजिक वगैरह लगा के, तो उसी दिन से मैंने अपना व्लॉग भी जो है स्टार्ट किया। आप एक बार जाके चेक भी कर सकते हो, श्रीनगर से मतलब बराबर पटना तक एक ही वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि पता नहीं था ना उस टाइम इसीलिए। तो इसी बाइक का इंतज़ार कर रहे थे, आ गया ये भी, तो अब बस अपना रस्सा वगैरह टाइट करवा रहे हैं क्योंकि पूरा माल ढीला हो गया, डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए। अभी देखो भाई मेरा हेल्प कर रहा है, रस्सा टाइट कर रहा है, देख रहे हो। ओके भैया चलते हैं, ओके ओके। बहुत ज्यादा लेट हो चुका है तो फाइनली हम वहां से निकल गए, टोटल खर्चा आप मान के चलो 2500 रुपया लग गया अपनी गाड़ी में, बट काम बराबर हो गया, ओके हो गया। ये बिल भी आपको नजर आ रही है, ये देखो सब कुछ ठीक हो गया, आपस चल रहे फिलहाल, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, क्या करें, गाड़ी का काम भी मतलब ज़रूरी होता है यार, इसलिए मैं। और भी एक काम पेंडिंग रह गया, वो जो पट्टा टूटा है वो चेंज करवाना है, मैं वहीं पर करवाता बट उधर थोड़ा महंगा मिला, इसलिए मैंने सोचा आगे कहीं करवाते हैं, और उसमें भी टाइम लगेगा, 2 दिन पट्टा लग ही जाएगा क्योंकि कमानी पूरा नीचे उतारना है, उसके बाद पट्टा लगाना है, वापस चलाना उसमें टाइम लग जाएगा। अभी टाइम आ गया दिन के 5, तो अभी हम आ गए लखनऊ बाईपास पे, अब जस्ट हमने कुर्सी वाला रोड पार कर लिया, अभी मेन रोड पे आ गए, अब तो सीधा ही फिलहाल आप मान के चलो बनारस, मतलब जहाँ हम पिछले चक्कर गए थे वहीं से तो अपना कलकत्ता का रास्ता है, फिलहाल आप मानो इसी रोड पे हमें सीधा ही चलना है, तो अपना सफ़र कंटिन्यू जा रहा है भाई। अभी आप देखो भाई यहाँ पर बैठा है, आज दिन को हमने खाना वाना बिल्कुल भी नहीं बनाया और हमने होटल से ही रोटी खाई, गाड़ी में नहीं बनाया। अब मैं सोच रहा हूँ सब्जी वगैरह लेके रखते हैं, आज खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं गाड़ी, क्योंकि यार हमें आदत नहीं होता है ना दाल रोटी खाने का, तो बिरयानी भी ज़्यादा नहीं खा पाते, पेट खराब होता है इसलिए, तो इसका आदत नहीं होता है, तो
गेस करो और बताओ कौन सी लोकेशन है। ज्यादातर तो ड्राइवर भाई को ही पता होगा जो इस रोड से रोज चलते होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी जगह है, ठीक है? एक बार बताना, चेक करो कौन सी लोकेशन है। तो हम यहाँ पे रुके थे, अपना शहनशाह यहीं पे खड़ा कर दिया था क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा फोटोज वगैरह ले लेके। दानिश भाई ने बोला हम थोड़ा फोटो शूट कर लेंगे यहाँ पे, फोटो दो तीन क्लिक कर लेंगे अच्छे से। ओके, शहर तो गर्म बहुत हो गए, गर्मी बढ़ गई। अब बस चलते हैं, निकलते हैं। फोटो वगैरह अपने हो गए और रील वगैरह शूट कर लिया, और लोकेशन ज़रूर बता देना, गैस करना कौन सी जगह है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊँगा। ये नज़र आ रहा है, ये देखो भाई, ये अपना शहर। तो अब बस हम इस प्यारे से व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव फैमिली, बाय बाय।